दोस्तों, हिंदी फिल्म जगत में एक से बढ़कर एक कलाकार हुए हैं। कुछ ने मुख्य भूमिका से नाम कमाया तो कुछ का काम लोगों को नकारात्मक भूमिका में ही पसंद आया। मनोरंजन का क्षेत्र हमेशा ही प्रतिभाशाली कलाकारों से भरा रहा है। आज जिस कलाकार की बात हो रही है, उन्होंने 5 दशकों तक बॉलीवुड में सक्रियता दिखलाई थी। और गौर करने वाली बात यह है कि इतनी लंबी पारी उन्होंने नकारात्मक भूमिकाओं को बेबाकी से निभाकर हासिल की है। उनकी एक्टिंग के साथ साथ उनकी आंखें भी दर्शकों के बीच चर्चा का विषय रही। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिए। आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के मशहूर विलन कमल कपूर जी की और उनसे जुड़े कुछ किस्सों की। उन्हें क्रिस्टल आई वाला बैड मैन भी कहा जाता है। 60 और 70 के दशक के मशहूर विलेन कमल कपूर का फिल्मी करियर ग्राफ काफी इंटरेस्टिंग रहा। शुरुआती दौर में उन्हें काफी हिचकोले मिले, पर उनके करियर को रफ्तार मिली खलनायकी से। तो देर किस बात की, आइए जानते हैं उनके दिलचस्प सफर के बारे में कि कैसे एक बेहद फ्लॉप हीरो से एक सुपरहिट विलन तक का सफर कमल कपूर साहब ने तय किया। साथ ही हम उनकी निजी जिंदगी के कुछ उनके किस्से भी साझा करेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन शर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट बायोग्राफी में। सन 1920 में पेशावर में जन्मे कमल कपूर ने फिल्म सफर की ओर रुख 40 और 50 के दशकों में बतौर मुख्य अभिनेता किया था, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इसके बाद के 3 दशक पर्दे पर उन्होंने बतौर खलनायक बिताए। बिल्लौरी आंखों वाला ये खलनायक ढोंग, फरेब, बेईमानी जैसे भाव बड़ी आसानी से उकेर पाता था। फिल्मों में आने से पहले कमल लाहौर में रहते थे और वहीं उनकी पढ़ाई लिखाई भी पूरी हुई। अब आप सोच रहे होंगे कि माया नगरी के रुपहले पर्दे पर इस दिग्गज का आगाज कैसे हुआ। दोस्तों, बहुत कम लोग जानते हैं कि बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता पृथ्वीराज कपूर साहब कमल कपूर की मौसी के बेटे थे। मौसी बंबई में रहती थी, तो इन्हीं मौसी के पास पढ़ाई खत्म होने के बाद कमल ने सोचा क्यों ना कुछ वक्त गुजारा जाए। ये बात सन 1944 की है। इसी साल पृथ्वीराज कपूर ने पृथ्वी थिएटर की स्थापना की थी। कमल को गाइड करके पृथ्वीराज कपूर ने उनकी बहुत मदद की। यहाँ कमल ने पृथ्वी थिएटर के नाटक दीवार में काम किया, जिसमें उनकी भूमिका एक अंग्रेज अधिकारी की थी। तो कुछ ऐसे शुरू हुआ था कमल का सफर। आगे चलकर उन्हें 1946 में दूर चले नामक एक फिल्म में बतौर अभिनेता काम मिला। ये फिल्म दुर्गा पिक्चर्स के बैनर तले बनी थी। इसमें कमल के अपोजिट नसीम को कास्ट किया गया था। फिल्म भले ही चली नहीं, पर कमल की झोली में एक एक्टर के रूप में उन्हें थोड़ी बहुत पहचान दी गई। कमल की और फिल्मों की बात करें तो 40 और 50 के दशक में उन्होंने हातिमताई, डाक बंगला, परदेसी मेहमान, इंसान, जग्गू, अमीर आदि फिल्में की। इनमें से अधिकतर फिल्में फ्लॉप रही। जग्गू को छोड़ कोई विशेष सफल नहीं रही। कमल कपूर ने एक इंटरव्यू में ये साझा भी किया था कि उस दौर में उनका करियर दिशाहीन हो गया था। हीरो के तौर पर उन्हें कई फ्लॉप फिल्में मिली, जिससे निराश होकर उन्होंने खुद फिल्म बनाने की ठानी, पर इससे भी उन्हें ज्यादा सफलता हाथ न लगी। उनके द्वारा स्वतंत्र रूप से बनाई गई फिल्म खैबर, जो कि सन 1954 को आई थी, इतनी बुरी तरह फ्लॉप हुई कि कमल को काफी नुकसान हुआ। खैबर को कपिल पिक्चर्स के बैनर तले रिलीज किया गया था, पर इसने अपनी असफलता से कमल की हालत बदतर कर दी। कमल ने नायक के रोल की असफलता से तंग आकर अपना रुख खलनायकी की ओर किया। हुआ यूं कि सन 1958 के बाद 9 सालों तक कमल को कोई काम नहीं मिला था। इसके बाद उन्होंने किस्मत आजमाई नेगेटिव कैरेक्टर्स पर, और इसका श्रेय निर्माता निर्देशक यश जौहर को जाता है। उन्होंने कमल में नकारात्मक भूमिका निभाने की क्षमता देखी थी। फिल्म जौहर महमूद इन गोवा से उन्होंने खलनायकी की सफल पारी शुरू की। ये फिल्म उनके लिए किसी जुए के दाव जैसा था, पर किस्मत मेहरबान हुई और अब कमल के अच्छे दिन शुरू हो गए थे। जौहर इन बॉम्बे, जब जब फूल खिले, राजा और रंग, दस्तक, पापी, पाकीजा, दीवार, दो जासूस, मर्द, तूफान जैसी तमाम सफल फिल्मों से उन्होंने एक सफल खलनायकी शुरू की। सन 1967 की फिल्म दीवाना में बॉलीवुड के शोमैन राज कपूर के पिता की भूमिका में नजर आए।
अपने कुछ इंटरव्यूज में उन्होंने अपने लंबे फिल्मी सफर से जुड़े कई दिलचस्प किस्से बताए, जिनमें से कुछ हम आपको सुनाते हैं। कमल ने साझा किया था कि सन 1965 में फिल्म जब जब फूल खिले की जुबली पार्टी से जब वो ट्रॉफी लेकर निकल रहे थे तो किस तरह उस भारी भरकम ट्रॉफी को वो संभाल नहीं पाए। फिर पृथ्वीराज कपूर ने उन्हें अपनी गाड़ी में लिफ्ट दी थी, उस समय उनके पास खुद की कार नहीं थी। कमल ने ये भी बताया था कि फिल्म खैबर की असफलता के कारण उनका इतना नुकसान हुआ था कि उसकी भरपाई करने में उनकी खुद की गाड़ी बिक गई थी। बाद में 1966 में उन्होंने दोबारा गाड़ी खरीदी। कमल दोबारा गाड़ी खरीदने वाले दिन को अपनी जिंदगी का एक खुशनुमा पल मानते थे। दोस्तों, एक सफल अभिनय दौर के सन 1993 में आई जख्मी रूह उनकी आखिरी फिल्म थी और इसके बाद उन्होंने बॉलीवुड की सरजमी को अलविदा कह दिया। इस फिल्म के आने तक कमल को काफी अच्छी पहचान और इज्जत इंडस्ट्री में मिल चुकी थी। दोस्तों, इनकी निजी जिंदगी की बात करें तो इनकी पत्नी का नाम सुमन देवी कपूर है। कमल कपूर के 5 बच्चे थे, 3 बेटे और 2 बेटियां, जिसका नाम कपिल, संजीव, आमिर, मीना और मधु है। मशहूर फिल्म निर्माता रमेश बहल कमल कपूर के दामाद थे। जाने पहचाने निर्माता और अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे का पति गोल्डी बहल रमेश बहल के बेटे हैं और रिश्ते में कमल कपूर के नाती लगते हैं। कुल मिलाकर कमल कपूर का एक भरा पूरा परिवार है। फिल्मी जगत को जीवन के 50 साल देने वाले इस अभिनेता की मौत सन 2010 में 90 वर्ष की आयु में मुंबई में हो गई। कमल अपने पीछे एक बड़ी लेगेसी छोड़ गए हैं। आज भी सिनेमा जगत में उन्हें काफी रिस्पेक्ट से देखा जाता है। बाकी विलेन से अलग जो बात उनमें थी वो ये थी कि वो ज्यादातर फिल्मों में एक घमंडी रईस जो सिगार और बिलौरी आंखों के साथ दहशत पैदा करता था, ऐसे रोल्स में नजर आए। दोस्तों, उम्मीद है कमल कपूर का सफर जानकर आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।